तो फाइनली दोस्तों हमारे पास विंडो 11 का 21H2 वाला चुका है, मगर लैपटॉप में इंस्टॉल करना हो या पीसी में इंस्टॉल करना हो तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट मांगी गई है TPM 2.0 या हमारे जो है UEFI मोड में सिक्योर बूट ऑन होना चाहिए। मगर अगर हमारा हार्डवेयर जो है 3-4 साल पुराना हो जिसमें जो है TPM 2.0 ना हो बल्कि TPM जो है 1.2 हो या TPM यहाँ पे बिल्कुल ही ना हो तो हम कैसे यहाँ पे विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं वो भी एक ISO के जरिए, क्योंकि यहाँ पे जो है जितनी भी विंडो 11 अपग्रेड हो रही है वो हमारे विंडो अपडेट से जाके अपडेट हो रही है, ना कि ISO यहाँ पे हमें दिया जा रहा है। तो मैं फाइनली इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको जो है ISO फाइल जो है डाउनलोड करनी है विंडो 11 के 21H2 वाले की। यहाँ पे कई वीडियो में यहाँ पे बताया जा रहा है कि लीक वर्जन जो है कैसे डाउनलोड करना है, बताया तो जा रहा है कि एक दिन वहाँ पे विंडो 11 का 21H1 ISO डाउनलोड हो रहा है, मगर जब लोग उसको डाउनलोड कर ले रहे हैं तो वहाँ पे पता चल रहा है कि वो डेवलपर मोड की जो है लीक विंडो है। तो हम फाइनली इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि कैसे हम जो है विंडो 11 का ओरिजिनल ऑफिशियल जो है ISO डाउनलोड कर सकते हैं। और ज़्यादातर हमारे देखते हैं सिस्टम में TPM 2.0 का रिक्वायरमेंट मांगा गया है, और लगभग जो है सभी ने यहाँ पे वीडियो में बताया है कि हमें कैसे उसको एबल करना है और साथ ही साथ सिक्योर बूट कैसे एबल करना है, मगर हमारे हार्डवेयर में जब वही चीज़ है ही नहीं तो उसको कैसे एबल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बाईपास तरीका यहाँ पे बताने की कोशिश करी है। इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिएगा कि कैसे ये सारी प्रोसेस होने वाली है, और विंडो इंस्टॉल करके भी मैं एक बारी दिखाऊंगा कि कहाँ पे दिक्कत आने वाली है आपको विंडो इंस्टॉल करने में और उसको कैसे सॉल्व करना है। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये विंडो 11 का जो है 21H1 वाला वर्जन है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने वीडियो डाल दी आपने पूरी देख ली और लास्ट में यहाँ पे पता चला कि विंडो 11 का ओरिजिनल वर्जन है ही नहीं तो वीडियो का फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ यहाँ पे विंडो 11 का ओरिजिनल वर्जन है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं सेटिंग पे एक बार चेक करा देता हूँ, और आप देखेंगे कि विंडो लीक वर्जन जो था उसमें एक्शन सेंटर साइड में आता था, मगर यहाँ पे एक्शन सेंटर साइड में आ ही नहीं रहा है। यहाँ पे एक्शन सेंटर जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमें यहाँ पे मिलने वाला है। तो एक तो प्रूफ यहाँ पे ये मिल जाएगा आपको। तो उसके बाद आपको क्या है यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू पे मैं एक चेक करा देता हूँ सेटिंग पे जाके। तो यहाँ पे हम सेटिंग पे आ जाएंगे, और सबसे पहली बात तो सेटिंग का पूरा डिस्प्ले ही यहाँ पे जो है हमारा चेंज होने वाला है। तो सबसे मैं नीचे आपको अबाउट में दिखा देता हूँ। तो अबाउट में आप देखेंगे कि यहाँ पे विंडो एडिशन विंडो 11 प्रो है, और अपडेट में जो है 21H2 का जो है यहाँ पे अपडेट हमें मिलने वाला है। तो अब इसको डाउनलोड कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमें बताया जा रहा है कि विंडो अपडेट पे जाना है। विंडो अपडेट पे जाने के बाद आपको विंडो इनसाइडर प्रोग्राम पे यहाँ पे जाके जो है विंडो को रजिस्टर करना है कि हमारे में जो अगला अपडेट आएगा विंडो 11 का यहाँ से आएगा। मगर जब हमारे में रिक्वायरमेंट ही वो जो TPM 2.0 है वो है ही नहीं तो वो हम कैसे लेके आएंगे। तो सबसे पहले जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वो आप उसको ओपन करेंगे तो वहाँ पे कुछ ऐसा डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिलेगा वेबसाइट का। आपको स्किप ऐड करना है, यहाँ पे स्किप ऐड जब आप कर लेंगे तो यहाँ पे आपको जो है एक अलाउ करने का ऑप्शन देंगे कि आपको उसको अलाउ करना है। आपको सिर्फ एक बार ही अलाउ करना है। जब आप उसको अलाउ कर लेंगे तो यहाँ पे आपका विंडो डाउनलोड करने का एक जो है ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा विंडो सेव करने का ऑप्शन आ गया है। अगर हम इसको सेव करते हैं तो यहाँ पे ये जो विंडो होने वाली है 4.9 GB की होने वाली है। तो अगर आपकी स्पीड अच्छी है नेट की तो यहाँ पे ये जो है जल्दी से डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है इसको डाउनलोड कर रखा है तो यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड कर नहीं रहा हूँ। तो आपको अब मैं बता देता हूँ कि कैसे आप जो है अपने पेनड्राइव में जो है इस ISO को कन्वर्ट करेंगे और क्या सेटिंग करनी है। मेन जो है इसको जब आप विंडो बूटेबल बनाएंगे तो वहाँ पे मेन आपकी जो है सेटिंग कैसे करनी है वो चीज़ मेन आपको देखने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है एक रूफूस नाम का जो है सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि विंडो बूटेबल कैसे बनाएं, उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बारी आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ कि आपको लेटेस्ट वाला वर्जन यहाँ पे डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पे आपको जो है रूफूस नाम आपको यहाँ पे डालना होगा। तो रूफूस डाउनलोड आप यहाँ पे गूगल पे डालेंगे तो सबसे पहला ही वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो उसको ले लेना है, और जब आप इसको ओपन कर लेंगे तो नीचे यहाँ पे आपको जो है रूफूस का जो है 3.14 जो है
वर्जन आपको मिलेगा 1 MB का मात्र ये सॉफ्टवेयर है, इसको डाउनलोड कर लेना है। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद आपको इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे ये हमारा जो है रूफू सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड हो गया है। अब जब ये आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा तो आपको अपनी जो है पेन ड्राइव लगा लेनी है पीसी में। लगभग आपकी पेन ड्राइव जो है 8 GB की होनी चाहिए या 8 GB से ऊपर की होनी चाहिए, क्योंकि 8 GB से नीचे की पेन ड्राइव होगी तो यहाँ पे हमारा विंडो का ISO जो है 4.9 GB का है, तो आपको जो है लगभग 8 GB की पेन ड्राइव यहाँ पे चाहिए होगी। तो जब आप पेन ड्राइव को लगा देंगे तो पेन ड्राइव आपके यहाँ पे डिवाइस पे शो कर जाएगी और यहाँ पे आपको जो है अपने विंडो का ISO जो है सेलेक्ट कराना होगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट पे जाते हैं और आपके कंप्यूटर में जिस भी लोकेशन में आपकी जो है ISO फाइल पड़ी होगी या आपने डाउनलोड करी होगी वहाँ से आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो ये हमारा ISO फाइल है, तो हमने इसको क्लिक किया, ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ सेटिंग ऐसे बन के आएगी, अगर बाई चांस आपके में यहाँ पे ये सेटिंग ना बन के आए तो क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। तो यहाँ पे आपको पार्टीशन में जो है GPT और MBR का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको इसको GPT ऑप्शन में लाना है। तो यहाँ पे आपको टारगेट सिस्टम पर जाना होगा, यहाँ पे आपको UEFI ऑप्शन मिलेगा जिसमें नॉन CSM लिखा होगा, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना होगा। अगर आपने रूफूस का जो है पुराना कोई वर्जन जो है डाउनलोड किया है तो वहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से आपको यही ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा, वरना आपकी जो विंडो है वो यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हो पाएगी, यहाँ पे आपको दिक्कत आएगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद आपको सिंपली जो है स्टार्ट पे क्लिक करके अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल बना लेना है। कुछ टाइम आपको यहाँ पे लगेगा, 5 से 6 मिनट। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है पेन ड्राइव बना ली थी, तो यहाँ पे अब मैं आपको इंस्टॉलेशन दिखा दे रहा हूँ कि कहाँ पे दिक्कत आने वाली है, और लैपटॉप में या पीसी में आपको मदरबोर्ड में एक छोटी सी सेटिंग करनी होगी वो मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना पीसी को शटडाउन कर लेना है और शटडाउन करने के बाद आपको उसको एक बार ही ऑन करना है। जब आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है अपना बायो सेटअप पे आपको यहाँ पे आना होगा। तो यहाँ पे मैंने लैपटॉप को ऑन कर दिया है, यहाँ पे मुझे जो है HP का मैंने लैपटॉप यहाँ पे यूज़ किया, तो यहाँ पे हमें जो है बायो सेटिंग के लिए F10 को प्रेस करना होगा। तो यहाँ पे मैंने F10 को प्रेस किया है। अगर आपका लैपटॉप डेल का है या किसी और कंपनी का है तो वहाँ पे BIOS का जो है सेटिंग जो है किसी और बटन पे भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ पे HP में तो फिलहाल आपको जो है पहले एस्केप बटन दबाना है और F10 दबाना है। जब हम यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे हमें सेटिंग क्या करनी है, मेन चीज़ यहाँ पे ये देखना है हमको। तो यहाँ पे आपको जो है मेन सिक्योरिटी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आपको आना है। तो आपको सबसे पहले तो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में आना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे बूट ऑप्शन पे जाना है। जब आप यहाँ पे बूट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो बूट ऑप्शन के बाद यहाँ पे आपको जो है एक ऑप्शन मिलेगा लेगेसी सपोर्ट। तो लेगेसी सपोर्ट पे आपको यहाँ पे एबल ऑप्शन मिलेगा, आपको एबल ना करके यहाँ पे इसको डिसेबल करना है। डिसेबल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है जैसे हम लेगेसी सपोर्ट को डिसेबल करते हैं तो यहाँ पे हमारा UEFI मोड जो है ऑन हो जाएगा। ये जो विंडो डल रही है वो मेन जो है UEFI मोड पे ही सपोर्ट करती है, लेगेसी मोड पे यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेगी। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो है सिक्योर बूट को जो है एबल कर लेना है, अगर बाई चांस ये डिसेबल हो तो आपको यहाँ पे एबल कर लेना है। अब और वीडियो में क्या बताया जा रहा था मैं वो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो और वीडियो में ये बताया जा रहा था कि यहाँ पे आपको जो है सिक्योरिटी में आके TPM को जो है एबल करना है। यहाँ पे वैसे तो हमारे में TPM एबल है, मगर यहाँ पे जो है TPM 1.2 है ना कि 2.0 है। अब जिसके में TPM 2.0 नहीं होगा वहाँ पे विंडो नहीं डलेगी, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें अगर ISO फाइल मिल जाती है तो मेन जो है हमारा विंडो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी, TPM 2.0 की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल हमने जो है मेन काम क्या करना है, बूट ऑप्शन पे आना है। बूट ऑप्शन पे आने के बाद आपको लेगेसी सपोर्ट जो है डिसेबल कर देना है और सिक्योर बूट का ऑप्शन जो है एबल कर देना है। बस इतनी सी सेटिंग यहाँ पे हमको करनी होगी। जब ये सब हो जाएगा तो आपको यहाँ पे सिंपल जो है F10 दबाना है और सेटिंग को जो है सेव कराना है। अब इसके बाद आपको जो है बूट ऑप्शन को ओपन करना होगा। तो जब आपका जो है लैपटॉप ओपन हो रहा होगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि फिर से इसके बटन को यहाँ पे प्रेस करना होगा। अब जब आपका लैपटॉप रीसेट होगा या रीस्टार्ट होगा तो आपको इसके बटन दबाना है, और इसके बटन दबाने के बाद आपको जो है बूट डिवाइस ऑप्शन पे जाना है।
तो बूट डिवाइस ऑप्शन के लिए यहाँ पे एचपी के लैपटॉप में F9 बटन को यहाँ पे दे रखा है, हम उसको प्रेस कर लेंगे। तो F9 बटन हमने यहाँ पे प्रेस किया है और यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले नंबर पे आपको जो है यूएसबी हार्ड ड्राइव यहाँ पे मिल रहा है UEFI मोड पे, जो कि हमने पेनड्राइव को बूटेबल जो बनाया था वो UEFI मोड पे ही बनाया था। यहाँ पे लेगेसी सपोर्ट नहीं है विंडो 11 में, इसलिए हमें यहाँ पे UEFI मोड को ही सपोर्ट कराना होगा। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे, अब जब यहाँ पे ये यह हमारा विंडो इंस्टॉलेशन का ऑप्शन जो है यहाँ पे आ चुका है, अब यहाँ पे आपको जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है वो क्लिक करिए। और जैसे कि यहाँ पे मैंने टाइम एंड कंट्री फॉर्मेट यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, इंग्लिश आप इंडिया कर सकते हैं, बाकी आपको जो भी चाहिए होगा वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वैसे तो डिफ़ॉल्ट यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट आता है, मैं इंग्लिश इंडिया कर ले रहा हूँ वहाँ पर, क्योंकि डेट का फॉर्मेट हमारे इंग्लिश इंडिया के हिसाब से आएगा। यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है और यहाँ पे इंस्टॉल नाउ करना है। अब इंस्टॉल नाउ करने के बाद आपको सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे आने वाली है, जब आप यहाँ पे सेटअप इन सेटिंग्स स्टार्टिंग पे आ जाएंगे तो यहाँ पे मेन दिक्कत इसके बाद आएगी। अब हमें यहाँ पे एक तो यहाँ पे आई डू नॉट हैव प्रोडक्ट की क्लिक कर लेना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आई एक्सेप्ट वाला भी क्लिक करा लेना है और नेक्स्ट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कस्टम इंस्टॉल विंडो ओनली एडवांस पे जाना है। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप यहाँ पे दिक्कत देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि नीचे जहाँ आप किसी भी पार्टीशन पे क्लिक कर रहे हैं तो वहाँ पे मेन दिक्कत यहीं पे आने वाली थी आपको, कि यहाँ पे आप किसी भी पार्टीशन पे क्लिक करेंगे चाहे पार्टीशन कितना भी खाली क्यों ना हो, वहाँ पे विंडो जो है इंस्टॉल करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है सबसे पहले, तो आपको सारे पार्टीशन जो है डिलीट कर देने हैं, ये मेन पॉइंट है दोस्तों। क्योंकि जब आप विंडो इंस्टॉल करने लगेंगे तो यहाँ पे आपको किसी भी पार्टीशन को क्लिक करने पे इंस्टॉल करने का ऑप्शन नहीं देगा, तो आपको यहाँ पे जो है पार्टीशन को सबको डिलीट कर लेना। हाँ, सबसे मेन चीज़ ये भी है कि आपको अगर पार्टीशन डिलीट करने पड़ रहे हैं तो आप पहले तो जो है अपने हार्ड डिस्क में जितना भी डाटा था उसका एक बैकअप किसी और हार्ड डिस्क में कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने पार्टीशन डिलीट कर दिया तो जो है डाटा आपका जो है वापस नहीं आएगा, या तो आपको किसी रिकवरी सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ेगा और उसमें काफ़ी लंबा टाइम लगता है। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे मेरे लिए मेन जो है आपका डाटा सेव करना था, तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ आपको बता दी है। अब इसके बाद जो है आपको न्यू पे क्लिक करना है और आपको एक पार्टीशन बना लेना है। तो आपको जितने भी GB का पार्टीशन यहाँ पे बनाना है वो पार्टीशन के लिए आप यहाँ पे MB का यूज़ कर रहे हैं। अब हमें जो है पार्टीशन जैसे 100 MB का 100 GB का पार्टीशन यहाँ पे बनाना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक 1024 × 100 GB कर देंगे, तो यहाँ पे जो है हमारे 100 GB के पार्टीशन के लिए MB का कैलकुलेशन यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 1024 तो यहाँ पे हमें करना है 102400। तो यहाँ पे हमने ये पार्टीशन यहाँ पे ले लिया है, बाकी आपको जितना ही बनाना जरूरी नहीं कि 100 GB 150 GB, जितना भी आपको चाहिए होगा यहाँ पे उतना पार्टीशन आपको करना होगा। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, ओके किया, तो यहाँ पे हमारा जो है 100 GB का पार्टीशन जो है यहाँ पे आ चुका है। बाकी अभी 831 GB का पार्टीशन हमारा बचा है, आप खुद भी यहाँ पे और क्रिएट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे बाद में क्रिएट कर दूँगा आपको। फिलहाल आपको यहाँ पे मुझे दिखाना है कि कैसे कैसे यहाँ पे प्रोसेस करनी है। बाकी यहाँ पे 2 पार्टीशन एक अलग से छोटे छोटे बनेंगे जो कि रिकवरी के लिए यहाँ पे आता है, उनको आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो भी आपने पार्टीशन बनाया था उसको क्लिक करना है और बाकी फाइनल स्टेप जो है आपको नेक्स्ट करा देना है और फाइनली आपका यहाँ पे जो है विंडो इंस्टॉल होने लग जाएगा। सभी वीडियो में ये बताया गया था कि हमें जो है विंडो इनसाइडर प्रोग्राम पे जाना है, वहाँ पे हमारी माइक्रोसॉफ्ट की ID लॉगिन करनी है और रजिस्ट्रेशन करना है, जिसके 10 मिनट बाद या 1 हफ्ते बाद जो है आपका विंडो 11 का अपडेट आ जाएगा। मगर यहाँ पे हमें वैसा कुछ नहीं करना पड़ा, हमें सिंपली ISO डाउनलोड करना है, विंडो बूटेबल पेनड्राइव बनानी है और यहाँ पे विंडो के लिए थोड़ी सी सेटिंग करनी है और हमारी विंडो जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी।